सोनी की तरफ से आने वाला एक्स सीरीज का एक स्पीकर जो कि हमारा वायरलेस स्पीकर है, सोनी XC200। आज मैं आप सभी को इस स्पीकर का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ। तो यार ये जो स्पीकर है 10,000 रुपीज में अवेलेबल है। आप सभी लोगों को ये भी बताऊंगा कि यार ये क्या 10,000 रुपीज को वर्थ करता है या नहीं करता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बॉक्स की पैकेजिंग काफी नॉर्मल से दी गई है। यहाँ पर फ्रंट में हमें सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, साइड में हमें एक थॉर देखने के लिए मिल जाता है, लीव लाइफ लाउड लाइन सेफ डिफ्यूजर। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि यार ये किस चीज के लिए दिया गया है। नीचे की तरफ यहीं पर इसकी प्राइसिंग मेंशन की गई है, 15,990 रुपीज। स्पीकर है, एक ऐप को भी सपोर्ट करता है, म्यूजिक सेंटर। बेसिकली जो ये स्पीकर ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। परचेस किया है वो ब्लू कलर में परचेस किया है। एंड तो अब फटाफट से कर लेते हैं इसकी हम अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पर एक चार्जिंग केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, तो यार यहाँ पर कॉर्ड तो काफी अच्छी दी गई है, यूएसबी टाइप सी कॉर्ड मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। जब बॉक्स पैकेजिंग में काफी सही दी गई है, यहाँ पर हमें हमारा स्पीकर मिलता है। तो यार ये रहा हमारा स्पीकर, काफी प्रीमियम सा स्पीकर लग रहा है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करी जाए तो टोटल प्लास्टिक बिल्ड में आता है। एंड यहाँ पर इसके ऊपर रबराइज्ड मटेरियल का यूज किया गया है एंड साथ ही साथ यहाँ पर फैब्रिक का भी यूज किया गया है। एंड यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप मिल जाती है इसको कैरी करने के लिए, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। बॉटम पार्ट में आपको यहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट पार्ट में ये आपको सीरीज के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ, चार्जिंग इंडिकेटर, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए, प्ले एंड पॉज, एंड आप इससे कॉल रिसीव भी कर सकते हैं एंड कॉल डिक्लाइन भी कर सकते हैं। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, स्टेमिना मोड दिया गया है आपको, अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये स्पीकर स्टेमिना मोड में चला जाता है। एंड यहाँ पर माइक डिसेबल करने के लिए भी एक बटन दिया गया है जो कि काफी अच्छा एक फीचर है। पीछे की तरफ इसका आईओएस कंपार्टमेंट है एंड आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए मिल जाता है। बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में। IP67 वाटर रेजिस्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको डस्ट प्रूफ एंड शॉक प्रूफ भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड काफी ये लाइट वेट है तो आप इसको कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी इसमें कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, बट कंपनी क्लेम करते हैं कि आप इसको सिंगल चार्ज में 16 आवर तक ले कर सकते हैं। एंड आपको इसमें साथ ही साथ क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐप सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, तो जो कि काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। एंड 10 मिनट चार्ज करने पे आप इसको 70 मिनट तक यूज कर सकते हैं। एंड लाइन शेप डिफ्यूजर का इसमें यूज किया गया है, बाकी और सारी तरफ से स्पीकर बिल्कुल क्लोज है, फ्रंट से इसकी साउंड आती है। तो यार ये काफी ज्यादा अच्छा फीचर है क्योंकि यार इसमें जो इसमें साउंड है वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है इस तकनीक से। एंड एक्स बैलेंस स्पीकर, सर्कुलर डिजाइन में स्पीकर इसमें यूज किए गए हैं जिससे कि यार इसका काफी बेस एंड लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें 5.2 का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये रहे इसके फीचर्स एंड अब फटाफट से इसका हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं।
आपने इस स्पीकर का देख ही लिया यार। अपने पर्सनल रिगार्डिंग मुझे इसका साउंड काफी अच्छा लगा, लाउड साउंड है। जब मैंने इसको 100 वॉल्यूम पर प्ले किया तो यार डिस्टॉर्शन मुझे फील हुआ। 10,000 रुपीज इसका प्राइस है तो यार डिस्टॉर्शन तो कम से कम नहीं फील होना चाहिए था। बाकी 80 वॉल्यूम पर एंड 50 वॉल्यूम पर काफी अच्छा साउंड ये देता है। एंड डीप बेस मुझे इसमें देखने के लिए नहीं मिला, जो कि इस स्पीकर के लिए काफी माइनस पॉइंट है। एंड तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। फर्स्टली बात करते हैं प्रोस की। माइक्रोफोन विद इको कैंसलिंग टेक्नोलॉजी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी एक अच्छा फीचर है। पार्टी कनेक्टेड का मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टूडियो पेयर HD कोडेक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐप का सपोर्ट देखने के लिए भी मिल जाता है। कस्टम इक्वलाइजर मोड का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में। तो यार इसमें डीप बेस बिल्कुल भी नहीं है, लिमिटेड ऑडियो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी हमें नहीं मिलता है। फाइनली बात करते हैं कि यार आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको डीप बेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि यार स्पीकर में डीप बेस हो, 10,000 रुपए लगा के मुझे डीप बेस नहीं मिल रहा है तो यार स्पीकर में मजा नहीं आता। फीचर वाइज काफी ज्यादा अच्छा है, आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। काफी लाइट वेट है एंड एक अलग फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, लाइन शेप डिफ्यूजर का। तो यार ये रहा आज का वीडियो। क्या आप इसको स्पीकर को परचेस करना चाहेंगे या नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टेक्नो मोमो को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मैं टेक्नो मोमो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।